मेरा नाम रुतबा जावेद है, मैं फतेहगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में, SSC एग्जामिनेशन में 500 मार्क्स बराबर लाए। एंड मेरी स्कूलिंग कश्मीर हावर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हबक नसीबाग से। तो कैसा लग रहा है आपको आज? मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इतना स्कोर करके मेरी मेहनत जो है, मेरी हार्ड वर्क जो थी वो रंग लाई है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 500 से 500 आएंगे आपके? नहीं, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बराबर मार्क्स आएंगे। आई मीन देर वॉज समथिंग जो कि मार्क्स कटेंगे, ग्रामर मिस्टेक्स, मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत ये था, कंफ्यूजन था, हो सकता है कि इसमें मार्क्स कटेंगे। SST में बहुत ज़्यादा था, तो इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड टू हैव दिस हैप्पीनेस इन माई लाइफ। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? जी, 9th 10th दोनों की सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, खुद पढ़ना पड़ा। मतलब ट्यूशन टीचर्स, स्कूल स्कूल तो बंद ही थे, फिर जो भी हो पाया ट्यूशन टीचर ने अपनी मदद की, उतना नहीं हो पाया लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदद की। लेकिन बाकी जो इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट रहना था, सेल्फ स्टडी करनी थी, दैट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद सारा पढ़ना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सा डिप्रेशन भी हुआ। ये क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, जो मेन क्रेडिट है इसका? जी, पहले अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी दिखाई, तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा, फैमिली भाइयों का रहा, टीचर्स का फुल सपोर्ट। उन्होंने मुझ पे मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकती हो, यू कैन अचीव दिस, गो फॉर इट। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है कम आए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, 10th इज नॉट ए क्लास में जो आपकी मतलब पूरी बेस, ये आपकी बेस होती है कि आपने नर्सरी से 10th तक जो बनाई, एक बेस बनाई। बाकी जो आपका फ्यूचर, इट्स नॉट योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर बनता है 10th के बाद, 11th 12th और उसके ऑनवर्ड्स। फोकस ऑन दोज 2 ईयर्स, दीज 2 ईयर्स मेक योर फ्यूचर इधर गुड और इधर बैड। इट्स अप टू यू, आप कैसे देते हैं। आप 10th के वो कम मार्क्स से आगे बढ़ेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, नहीं, ये मार्क्स आप छोड़ दीजिए, ये एक दो दिन की खुशी होती है, उसके बाद आपको अपनी फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अक्सर ये रहता है कि टॉपर्स दिन रात शायद पढ़ाई करते रहते हैं, तो ऐसा है कि आपने दिन रात पढ़ाई की है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक घर पे एक एक टॉपर होता है, हर बच्चा एक टॉपर है, जरूरत है तो कंसंट्रेशन की। उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो यूथ है, जिनको जो टॉप करना चाहते हैं, जो कुछ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, फिर उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाइयों पे जितना हो सके, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। दूसरी बात कि स्मार्ट वर्क इज़ मोर देन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप रिफ्रेशमेंट के लिए भी अच्छा खासा टाइम रखें। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के साथ रहे, मेक योर टाइम टाइम टेबल सो दैट यू कैन बी रिफ्रेश्ड विद अलॉन्ग मेकिंग योर टेकिंग योर स्टडीज हैंड इन हैंड। रुबा आगे पूछना चाहेंगे, आपका एम क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मतलब आगे कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ अनस अमीन मीर, आई एम फ्रॉम खानियार श्रीनगर। आई हैव सिक्योर्ड 500 आउट ऑफ 500 इन JK बोर्ड 10th क्लास। आई स्टडी एट श्री सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वेरी हैप्पी। कितना मुश्किल था, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि आप 500 में से 500 से जी? हाँ, पहले ही तो क्लासेस हो ही नहीं रही थी ऑनलाइन, दैट वाज वेरी टफ फॉर आस, ज्वाइन ही नहीं होती थी, इट वाज नॉट। बट मैं इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट टीचर्स को देना चाहूंगा, जिन्होंने पेशेंटली वर्क किया, दे वर्क पेशेंटली, दे जस्ट गिव अस व्हाट वी वांट, बेसिकली उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, दे प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा क्लासेस इफ वी आर इन कंफ्यूजन। सो सबसे मेन सपोर्ट आपका किसका रहा है? टीचर्स का और कजन्स का, और खासकर मेरी ट्यूशन टीचर मिस्टर तारिक सर, जो हजारी बाजार से है, का उन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया था, जैसे SOPs को फॉलो करके। तो ऐसे टॉपर्स का कहा जाता है टॉपर्स दिन रात पढ़ते रहते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आप भी खेलते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये क्रेडिट जो है, मेन क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? फर्स्ट पहले तो अल्लाह ताला को, उसके बाद टीचर्स को, पेरेंट्स को, और सबसे फिर टीचर्स को ही देना चाहूंगा। और अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, जो कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो चुके हैं, डिस्करेज हो चुके हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, और उनके पेरेंट्स के लिए भी आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं उनके पेरेंट्स को ये अपील करता हूँ कि उन्हें अब्यूज़ ना करें, उन्हें मोटिवेट करें। हर बच्चा टैलेंटेड होता है,
किसी न किसी फील्ड में हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है, उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें अब्यूज़ ना करे बेसिकली. ऐसा मैं उनको कहना चाहूँगा कि वर्ड इंटेलिजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बेसिकली यह हार्डवर्क होती है जो एक पर्सन को इंटेलिजेंट बनाती है. तो जो टॉप करना चाहते हैं आगे, जो अभी 10th में आए हैं, उन्हें टॉप करने का शौक है, तो किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशंस करनी चाहिए, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? बोर्ड एग्जाम्स में हाई सिक्योर करने के लिए सबसे पहले सिलेबस स्टडी इज़ वेरी नेसेसरी. उसके बाद मैं कहूँगा कि हार्डवर्क इज़ वेरी नेसेसरी, और सेल्फ स्टडी सबसे मेजर रोल प्ले करता है. टीचर्स कैन गाइड अस बट इट्स ऑल अप टू द स्टूडेंट देन. तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि टीचर्स के बाद, जो अभी जो कोविड की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो पूरा रोल जो है इंटरनेट ने प्ले किया है, तो आप बच्चों को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज दे शुड करना डू चाहिए? द सोशल नेटवर्किंग एज वेल एज इंटरनेट पॉजिटिवली. उन्हें इसको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए. दे शुड सेल्फ स्टडी ऑफलाइन. अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है, उनको ऑनलाइन क्लासेस में भी यूट्यूब सेशंस फॉलो करने चाहिए. इस वक्त यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. वेदांतु है, अनअकैडमी है, जो बच्चों की मदद कर रहे हैं. दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव द एजुकेशन. तो आगे आप क्या कुछ नया करने वाले हैं, और आपका गोल एम क्या है जी, पहले तो मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा गोल कार्डियोलॉजिस्ट है. आई वॉन्ट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट. आपका? थैंक यू. पाइबा शौकत है और मेरे फादर का नाम शौकत मजीद गना है, और मैं यहाँ सनलवाला में रहती हूँ, और मैं रेडियन पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ. जहाँ तक आपने बोला कि मेरा रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ. और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है, मेरे टीचर्स का है बहुत ज़्यादा. जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं पूरा मतलब लॉकडाउन से बंद हो चुका था, तो बहुत सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद मतलब अल्टीमेटली इंसान को मेहनत अपने तक होती है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि मतलब अपनी मेहनत की वजह से भी हम मतलब स्कोर अच्छा कर सकते थे, लेकिन मतलब रिसेंट जो हालात थी उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन ओवरऑल मतलब मेहनत करने से मतलब अच्छे मार्क्स आए. हमारे मतलब जो हमारा माहौल है उसमें मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मतलब मेरे हिसाब से मार्क्स उतना मैटर नहीं करते, क्योंकि इंसान की जिंदगी में उसको मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ना होता है. तो मतलब यही एक फील्ड नहीं है जो किसी को जज कर पाए, मतलब इसके आगे भी मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो मतलब हमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब इनका उतना भी ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं होना चाहिए मतलब हमारे लिए, कि अब मतलब किसी को कम मार्क्स है तो हम उसको एज इन्फीरियर ट्रीट करेंगे. तो मेरे हिसाब से मतलब ये किसी को जज करने के लिए इनफ नहीं है. शुक्रिया.